नवरात्रों के पांचवें दिन स्कंद माता देवी की आराधना हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम माता को प्रसन्न करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो। ये देखो सुबह सुबह मीठू बाबू की कॉल आई है। ये कहाँ जा रहे जे? ये देखो मीठू बाबू सुबह सुबह क्या कर रहे हो? हाँ, जय 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 कर लो चवेले चवेले से। हाँ, जय जय करते हैं, राधे राधे करते हैं। आ, 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 और कुकी क्या हो रहा? अच्छा, क्या पी रहे? पानी। खाली पानी? कुछ खा लिया करो संग में। दवाई खा रहे। अच्छा, दवाई खा रहे हैं। हाँ, तो ठीक। नाश्ता कर रहे हैं, देखो। अरे बाप रे, एक खा चुके। एक खा ली, बढ़िया। तुमको नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ती होगी। और क्या, दो गिलास पानी। खाना बन गया? बन रहा। देखिए भाई साहब, 9:25 हो गया है और हमको जाना है ऑफिस 9:30 और अभी खाना बन गया है, बन रहा है कह रही है। बताओ आज तुम मुझे चाहिए? आज तुम मुझको देर करवाओगी? नहीं है देर। नहीं है? चलो अच्छा। जब हमें बीच में टाइम दिखता है ना, तभी आके दवाई खाते हैं। नहीं, लेकिन तुम बना दोगी टाइम पे, हमको पता है। तुमको सेटिंग करे आई होगी, इसीलिए बैठी हूँ। मैनेजमेंट गुरु हो तुम। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। फिर? अपनी बीवी पे कोई डाउट कर सकता है? मतलब डाउट तो दूसरों की बीवी पे किए जाते। चलो अच्छा, हम कपड़े पहन रहे हैं, ऑफिस जाना है, गेटिंग रेडी। तुम अपनी दवाइयाँ ख़त्म करो और हमको नाश्ता दो। बाय। हाँ जी, बन गया? कितनी देर है? बन गया, दो रोटी सेकनी बस। देखिए भाई लोग, मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि जैसे कि दुनिया के हर पति की तरह मुझे भी धमकी मिली कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मनीषा श्रीवास्तव खाना नहीं बनाएंगी। तो हमने कहा चलो हम वीडियो ही बना दें, खाना तो खाना ही है गरीब आदमी को। बिना मतलब कुछ भी, सब लोग जानते क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। श्रीवास्तव जी बहुत शरीफ आदमी है, जलेबी की तरह बिल्कुल। सब लोग जानते हैं, सब समझ जाएंगे कि सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। देखो टिफिन लगा रहे हैं, सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी तो लगे रहते हैं। टाइम से नाश्ता, टाइम से खाना, सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी जो है कंप्लेंट कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। हमारी हमारी फैमिली से, हमारे परिवार वालों से कंप्लेन नहीं कर रहे? तुम्हारे परिवार वाले सब होशियार हैं, समझ गए होंगे कि हम कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वो तो सब जानते हैं, जनता सब जानती है, अगले चुनाव में बताएगी तुमको। तो देखिए भाई लोग, अब सब्जी हो गई है तैयार और मैं करने जा रहा हूँ अब नाश्ता। आज्ञा दें। खाने में क्या क्या है दिखाओ जरा। आज खाने में है दाल, मूंग की,
मूंग की दाल है जिसमें हींग जीरे और लौंग का देसी घी में तड़का लग चुका है और है आलू परवल की सूखी सब्जी और है चटनी जो अभी निकालना बाकी है मिक्सी की पिसी हुई चटनी लग रही बस अब रोटी से नाश्ता करो तब तक ये देखिए हो गए टाइम से रेडी हैं देर तो नहीं हुई हुई कि नहीं बताओ देर हुई है लेट हुए क्या थोड़ी सी कितने मेरी वजह से नहीं हमारी वजह से हम अखबार ज्यादा देर पड़ गया यस यस में कोई डाउट नहीं है ये तो बिल्कुल सही बात है पूरा अखबार जब तक उसे खा नहीं लोगे तब तक छोड़ते नहीं हो अखबार के बिना मेरा पेट नहीं भरता है मुझे अखबार चाहिए जरूर चाहिए तो फिर खाना बंद कर दो खाना उसके बिना मुझे टेंशन होती है जब तक हम अखबार नहीं पढ़ेंगे मेरा दिमाग खराब रहता है तो खाना बंद कर दो अखबार नहीं खाना ना बनाया करें जो हम इतने सुबह सुबह हड़बड़ में बनाते हैं दो नंबर पे आता है पहले नंबर पे अखबार तो अखबार खा के ही पेट भरो ना कह तो रहे हो कि अखबार नहीं भरता है उससे अभी तो कहा कि अखबार खा के मेरा पेट अखबार ना खाए तो मेरा दिमाग भरता है उससे दिमाग भरता है भर गया नॉलेज बढ़ती है तुम्हारे लिए गोल्ड का रेट देखते हैं रोज रहने दो रहने दो इसीलिए हमारी बात ध्यान से सुनते नहीं हो जब दिमाग अखबार से ही भर लेते हो एक बात कहते रहते हैं चार बार कहो तब हैं करेंगे ये देखिए आज श्रीवास्तव जी जा रहे हैं ऑफिस और अब मेरी जो सुबह की हड़बड़ है उसमें थोड़ी सी शांति मिल गई है अब मैं थोड़ा 5 मिनट बैठूंगी उसके बाद फिर मैं कुछ भी काम स्टार्ट करूंगी मेरा काम हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा तो हो ही गया है अभी तो थोड़ा बहुत ही बाकी काम तो दिन भर चलता रहता है वो तो अभी दिन भर चलेगा वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि दिन भर आज क्या क्या चलने वाला है तो पहले श्रीवास्तव जी को इनको ऑफिस भेज देते हैं इनकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो देखिए जरा चलिए जी ओके बाय बाय और ये देखिए मैंने चने की दाल को धूप में सूखने के लिए डाला है ये मेरे पास इतनी सारी चने की दाल रखी हुई थी जिसको अभी मैंने देखा तो अब इसको सुखा के मुझे पिसवाना है बेस इतनी सारी है तो इसका क्या करूँगी तो बेसन पिसवा लेते हैं तो बेसन भी यूज़ हो जाएगा और चने की दाल भी यूज़ हो जाएगी वैसे तो चने की दाल बनाते हैं लौकी डाल के बहुत टेस्टी बनती है बहुत टेस्टी बनती है उस दिन सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आप चने की दाल में लौकी डाल के बना सकते हो लेकिन मेरे यहाँ आजकल बहुत कम बनती है क्योंकि हैप्पी हैं हैप्पी नहीं खाते हैं इसलिए ये दाल भी मेरे यहाँ कम बनती है तो थोड़ी तो बचाएंगे और बाकी का बेसन पिसवा लेंगे तो बेसन यूज़ करेंगे फिर ठीक है चलिए चलते हैं थोड़ा 5 मिनट बैठते हैं पूरा दिन हो गया इतना काम हो रहा है घर में इतनी साफ सफाई हो रही है कि पूरा दिन हो गया है 4:45 बज गए हैं शाम को बहुत थकान हो रही है बहुत ज़्यादा और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है कपड़े धुले हैं जो अभी फैलाए नहीं गए हैं और अब मेरी ये देखिए कपड़े ये बाल्टी में रखे हुए हैं ये देखिए और अब मेरी हिम्मत नहीं है कपड़े आपको लग रहा होगा मैंने कपड़े हाथ से धोए नहीं बिल्कुल भी हाथ से नहीं धोए कपड़े मशीन में धुले हैं लेकिन साफ सफाई का काम पूरा दिन होते होते ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कपड़े हाथ से धोए मैं बहुत थक गई हूँ और अभी कपड़े फैलाने बाकी हैं लेकिन अब मेरी ऊपर छत पे जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं छत पे जाके कपड़े फैलाऊं और अब तो धूप भी चली गई है ऊपर की छत की धूप भी चली गई है तो अब मैं इन कपड़ों को अपने यहीं साइड में जो गैलरी है वहाँ पे फैला देती हूँ और अगर ऊपर गई भी डालने के लिए पता चला अगर रात में थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो कपड़े फिर से भीग जाएंगे इसलिए मैं बाहर डाल देती हूँ कल सुबह तक कल दोपहर तक कल शाम तक सूख ही जाएंगे भीगने का तो डर नहीं रहेगा ना तो चलिए चलते हैं इन कपड़ों को फैला देते हैं चलो गुनगुन डांस करो गुड़गुड़ गाना गाओ माही तुम गाना गाओ दीदी आज दीदी दीदी गाना गाएगी गाना गाओ गाना गाओ होता है इसको नहीं कोई गाना गाओ
अब कोई दूसरा गाओ, दूसरा सुनकी है पागल है पागल बनाता है जैसे छोड़ा मुझे आके मुंह दिखा तो पता नहीं क्या चाहता मन थोड़ी दे देंगे जान क्या हुआ जान थोड़ी दे देंगे मेरा भी जमीन है सा थोड़ी होता है हाँ, करो करो गाना गाओ चीज पैसा थोड़ी होता है इश्क भी कोई चीज है खुदा है क्या है ये तुम्हारा गाना है कि पोयम है अच्छा अरे राम दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और नवरात्रि चल रहे हैं बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पर करती हूँ बंद और हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का जय माई की